मैंगो पिज्जा मैंगो बर्गर। विशालपुर के गांव में कन्ना कहकर एक आदमी लोगों को सलाह देता रहता था। एक दिन उनके पास बंटी कहकर एक आदमी आया। तब कन्ना से बंटी, भैया मेरी बीवी मेरी बात नहीं सुन रही है, भैया क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम ही कुछ सलाह बताओ भैया, कहकर पूछा। तब कन्ना, देखो भाई बीवी बात सुनना है तो एक ही एक टेक्निक है, तुमने ही ठीक कहा, ऐसा कहना है या फिर तुम्हें बहरा हो जाना चाहिए, तब ऑटोमेटिक से सब कुछ सेट हो जाएगा, कहा। तब बंटी, क्या भैया फिर से उसका बात ही सुनना है कहते हो, सलाह देता है कहकर आए तो ऐसे कहते हो, कहा। तब कन्ना, देखो भाई हमसे ताकतवर वालों से नहीं पंगा लेना चाहिए, जानबूझकर बुलडोजर के नीचे हाथ रखते हैं क्या, नहीं रखेंगे ना, ये भी ऐसा है, कहा। तब बंटी उधर से चला गया। बाद में कन्ना के पास बंटी का पत्नी रेणु आकर कन्ना को थैंक्स कहकर उसे पैसे देकर चली गई। ऐसा कुछ दिन के बाद कन्ना उनका और एक दोस्त विनोद को देखने के लिए उनका गांव गया। उधर विनोद एक पेड़ के नीचे आम बेचते हुए दिखाई दिया। तब कन्ना, क्या मामू बेकरी और होटल को छोड़कर इधर पेड़ के नीचे आम बेच रहे हो क्यों, पूछा। तब विनोद, क्या कहूँ मामू, तुमने जो दिया वो सलाह से वो अनिल के साथ मिलकर बेकरी और होटल को लगाया था, धंधा अच्छा से चलने से वो अनिल मुझे धोखा देकर बेकरी को हड़प लिया, और क्या कर सकता हूँ, अब ऐसे ठेले के ऊपर आम बेच रहा हूँ, कहा। तब कन्ना, छी शर्म नहीं है क्या तुम्हें ऐसा बात करने के लिए, हमें धोखा देने वाले को और भी जोर से धोखा देना चाहिए, दो दिन में इधर ही रहता हूँ और उसे तुम्हारे पाँव पर गिरे जैसा करता हूँ, देखते रहना, कहा। ऐसे अगले दिन अनिल के पास कन्ना गया। तब अनिल से कन्ना, अरे मामू आते आते रास्ते में वो विनोद दिखाई दिया, क्या उसे अच्छे से झटका दिया है कह रहा है, फिर भी व्यापार कहे तो तुम्हारे जैसा करना है, आगे बढ़ने वाले का गुणवत्ता ऐसा ही होता है, कहा। तब अनिल, नहीं तो क्या करना है मामू, कितने दिन हम भी ऐसे नैतिकता से न्याय से रहते हैं बताओ, हमको भी लाइफ को एंजॉय करना है ना, अच्छे से कार में और फ्लाइट्स में घूमना चाहिए ना, कहा। तब कन्ना, हाँ मामू तुम तो एकदम सही हो, लेकिन वो विनोद फिर से कुछ मैंगो पिज्जा और मैंगो बर्गर कहकर नया सा कुछ प्लान कर रहा है कहकर मुझसे कहा, हाल ही में किसान एक नया सा मियां मजाकी कहकर एक आम को उगाए थे, उसका स्वाद तो और एक लेवल है, लेकिन अजीब का बात यह है कि उस किसान को विनोद अच्छा लगा, फॉरेन को एक्सपोर्ट करने के बाद रहने वाले आम को उसको ही देगा कह रहा था, अगर विनोद फिर से व्यापार में उतरा तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा शायद, अगर हो सके तो तुम जाकर पहले से ही विनोद से डील करो, और मैंने तुमसे ये बात कहा है कहकर मत कहो, कहकर उधर से चला गया। ऐसे थोड़े दिन के बाद एक दिन विनोद के पास अनिल आकर उसे थोड़े पैसे देकर माफी मांगा। बाद में मियां मजा की जाति का आम को उनको ही मिले जैसे डील बात किया, उसके लिए विनोद मान लिया। ऐसे अनिल को हर रोज विनोद मैंगो का सप्लाई करने लगा और उनको टुकड़े में काट कर पिज्जा के ऊपर छिड़का और मैंगो को पील करके बन के बीच में रखकर बर्गर को बेचना शुरू किया। ऐसे थोड़े दिन के बाद मैंगो पिज्जा और मैंगो बर्गर उधर अगल बगल गांव में प्रसिद्ध बनकर व्यापार अच्छे से बढ़ने लगा। फिर विनोद को भी पैसे अच्छे से मिलने लगे। ऐसे थोड़े दिन के बाद विनोद के पास कन्ना आकर, क्यों रे व्यापार कैसा है, आराम से घर में पांव के ऊपर पांव रखकर व्यापार कर रहे हो कहकर सुना, देखो मामू अनिल एक नंबर का छोर है और मैंगो के बारे में हमने तो झूठ बात कहा उनसे, इसलिए वो तुम्हारे पीछे किए बिना तुम मैंगोस को किसके पास जाकर कितने में खरीद रहे हो ये उसे जाने बिना लाना है, फिर से धोखा नहीं खाओ और ध्यान से रहना, समझ में आया, कहा। तब विनोद कन्ना का शुक्रिया अदा किया और वो जैसे कहता है वैसे ही सुनेगा कहकर उधर से चला गया।